हाय फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के ऊपर। यानी कि आप सबको पता है कि दोनों प्रेगनेंसी में मेरे को दोनों बेबी बॉय हुए थे, और तो आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे कि मेरी दोनों ही प्रेगनेंसी एक दूसरे से कितना डिफरेंट रही हैं, और दोनों ही प्रेगनेंसी में मुझे बेटे थे तो दोनों ही प्रेगनेंसी के सिम्टम्स एक दूसरे से कितने डिफरेंट थे और कितने सेम थे। यानी कि दोनों ही बेटों के टाइम पे मुझे क्या क्या सिम्टम्स थे और कितने सिम्टम्स मेरे चेंज हुए थे और कितने मेरे सेम थे। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम यही बात करेंगे। पुराने कुछ वीडियोस में मुझे बेटे के ऊपर कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि इसमें आपको, इस प्रेगनेंसी में आपको क्या था और क्या नहीं था, कौन सी प्रेगनेंसी में आपने फॉलिकल स्टडी कराई और कितने साइज का आपका मतलब फॉलिकल गया था, और ये फॉलिकल मॉनिटरिंग आपकी कब तक चली, और सेकंड प्रेगनेंसी में भी क्या आपने फॉलिकल मॉनिटरिंग कराई थी। तो यही सब बातें आज हम वीडियो में करेंगे, और मैं आपको बताऊंगी कि क्या मतलब मेरी दोनों ही प्रेगनेंसी मुझे ट्रीटमेंट से हुई थी। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ अपनी फर्स्ट प्रेगनेंसी की। तो पहली प्रेगनेंसी मेरी ट्रीटमेंट से थी, और उसके ऊपर भी मैंने वीडियो पुरानी बनाई हुई है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। पहली प्रेगनेंसी मेरी ट्रीटमेंट से थी, और उसमें मेरी फॉलिकल मॉनिटरिंग चली थी। फॉलिकल मॉनिटरिंग की मेरी लाइक जैसे मेरे पीरियड्स जो थे वो 18 नवंबर को आए थे, और कहते होता है ना जैसे अगर पीरियड्स 5 दिन आपको पूरे हो जाते हैं, आप साफ हो जाते हैं, तो फिर आप को फॉलिकल मॉनिटरिंग के लिए जाना पड़ता है। तो ऐसे ही जब मेरे को पीरियड्स कंप्लीट फिनिश हो गए थे, तो फिर मैं फॉलिकल मॉनिटरिंग करवाने के लिए गई। उसके बाद मैं 2 दिन छोड़ के फॉलिकल मॉनिटरिंग करवाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि मैं फॉलिकल मॉनिटरिंग के लिए कब कब जाती थी। तो फॉलिकल मॉनिटरिंग के लिए ये होता है कि आपको 1 दिन सिटिंग होती है। देखो अलग अलग सिटी में ना अलग अलग सिटिंग होती है, यानी कि फॉलिकल मॉनिटरिंग कोई 1 दिन छोड़ के कराता है और 4 सिटिंग कराता है, और कोई 5 सिटिंग कराता है। तो मेरी वाली जो थी वो 4 सिटिंग थी। तो मैं 1 दिन ना छोड़ के 2 दिन छोड़ के जाया करती थी, क्योंकि इससे पहले भी मेरी काफ़ी फॉलिकल मॉनिटरिंग जो है हो चुकी थी, जिसमें मेरा एक्सपीरियंस ये था कि जो मेरा फॉलिकल था वो प्रॉपर अच्छे से ग्रोथ नहीं करता था। इसलिए जब मेरी लास्ट फॉलिकल मॉनिटरिंग चली थी, तो मैं 2 दिन छोड़ के जाती थी, और जैसे 23 या 24 से मेरी अगर फॉलिकल मॉनिटरिंग चली, तो उसकी सिटिंग 2 या 3 या 4 के आसपास जो है लास्ट सेटिंग थी। तो उसमें मेरे फॉलिकल की ग्रोथ ना 11 या 11.2 ऐसे कुछ करके गई थी, 11.2 mm, जबकि 18 से अबव मुझे चाहिए था। डॉक्टर ने मुझे 18 से अबव के लिए बोला था, तो 11 के आसपास गई थी। फिर मैंने क्या करा ना, एक सिटिंग मैंने खुद से कराई थी, मतलब 500-600 रुपये की एक दिन की सिटिंग मैंने खुद से ली थी। तो उसमें मैं क्या गई थी, मैं 3 दिन छोड़ के गई थी, 7 या 8 दिसंबर की बात है ये, मुझे बहुत टाइम हो गया तो याद भी नहीं आ रहा। तो 7 या 8 दिसंबर के आसपास मेरी लास्ट सिटिंग थी जो मैंने खुद से करवाई थी। उसमें मेरा जो फॉलिकल था वो 13.1 mm ऐसे कुछ गया था, 13.1 mm, और तो उसमें जो था कुछ नहीं होना था, बट उसमें ही हो गया, मतलब कुछ नहीं होना था बट उसमें ही हो गया। और कैसे कैसे हुआ उसकी वीडियो मैंने प्रॉपर बनाई हुई है, वीडियो ही लंबी हो जाएगी इसलिए आप पुरानी वीडियो जाके देख सकते हैं, उसमें मैंने सबको डीपली बता रखा है। यहाँ बेसिकली 2 प्रेगनेंसी के सिम्टम्स की बात होगी, तो आपको मैं थोड़ा बहुत वैसे ही बता रही हूँ। ठीक है, तो मेरा उसमें कुछ नहीं होना था, बट मेरी प्रेगनेंसी उसी फॉलिकल में 13.1 mm के फॉलिकल में ही मेरी प्रेगनेंसी रुक गई थी। ठीक है, तो उस प्रेगनेंसी में मुझे हुआ था बेटा। उसके बाद जो मुझे सेकंड प्रेगनेंसी अभी हाल जनवरी में मेरे को बेटा हुआ है दूसरा, उसमें मेरी कोई फॉलिकल मॉनिटरिंग और ना ही मेरा कोई ट्रीटमेंट नहीं चला था, वो मुझे नेचुरली कंसीव हुई थी। और ठीक है, तो ये थी स्टोरी, और फर्स्ट के ऊपर मैंने पूरी बना रखी है क्योंकि वो ट्रीटमेंट भी था और मिरेकल भी था, कुछ भी हेलो आप लोग, उसकी वीडियो मैंने बना रखी है। उसके टाइम पे मुझे कैसे सिम्टम्स से बता रखे मैंने वीडियो उसकी भी बना रखी है। तो अब बात करते हैं कि दोनों प्रेगनेंसी के क्या सिम्टम्स थे। तो सबसे पहले जो 7-8 कमेंट्स थे ना, उसके ऊपर मैं बता देती हूँ। एक कमेंट ये आया था कि प्लेसेंटा एंटीरियर और पोस्टीरियर। ठीक है, तो फर्स्ट प्रेगनेंसी में मेरा प्लेसेंटा पोस्टीरियर था, एंड सेकंड में मेरा एंटीरियर था। जब मेरा फर्स्ट प्रेगनेंसी में पोस्टीरियर आया था प्लेसेंटा, तो मुझको भी ये था कि मैंने भी वीडियोस देखी थी लड़की के, तो उसमें यही बताया था कि पोस्टीरियर में मोस्टली बेटा होता है। तो फर्स्ट प्रेगनेंसी में पोस्टीरियर प्लेसेंटा मेरा था और मुझे बेटा हुआ था, तो मेरे को ये मतलब श्योर हो गया था कि पोस्टीरियर प्लेसेंटा में बेटा ही होता है। लेकिन ये भ्रम मेरा तब टूटा
जब सेकंड प्रेगनेंसी मुझे हुई और उसमें पूरे 9 मंथ्स तक जो मेरी प्लेसेंटा की पोजीशन थी वो एंटीरियर आती थी, ठीक है, एंटीरियर प्लेसेंटा के बावजूद भी मेरे को बेटा ही हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको अभी ये क्लियर कर देती हूँ कि प्लेसेंटा की पोजीशन जो है कुछ भी नहीं बता सकती कि आपको बेटा है या बेटी। तो होने को एंटीरियर में भी आपको बेटा हो सकता है और होने को पोस्टीरियर में भी बेटा हो सकता है, ठीक है, तो प्लेसेंटा से आपको नहीं पता चल सकता। दूसरा कमेंट ये था कि टमी की शेप के ऊपर बताया, किसी ने पूछा था कि फर्स्ट में आपको कैसी शेप थी पेट की और सेकंड में कैसी शेप थी। तो फर्स्ट एंड सेकंड प्रेगनेंसी दोनों ही प्रेगनेंसी में मेरी जो पेट की शेप थी वो ओवल थी, यानी कि पेट छोटा था बड़े में, पहले प्रेगनेंसी में और सेकंड प्रेगनेंसी में पेट बड़ा था, बट दोनों ही प्रेगनेंसी में जो पेट की शेप थी वो ओवल थी, ठीक है। और ओवल शेप में मोस्टली बेटा होता है कहते हैं, जो ये बात जो है मेरे केस में तो एकदम ठीक ठाक घटी। इसलिए मैं आपको भी यही कहूँगी कि अगर आपका भी ओवल है तो मतलब 90% चांस हो सकते हैं कि आपको बेटा हो, ठीक है, तो ये बात तो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि मतलब आपको वॉमिटिंग वगैरह होती थी, तो यहाँ मैं बता दूँ कि मुझे दोनों ही प्रेगनेंसी में कोई वॉमिटिंग, हेडेक, कोई लेजीनेस कुछ भी नहीं हुआ था और फुल्ली एक्टिव प्रेगनेंसी मेरी थी, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। उसके बाद वेट के ऊपर पूछा था कि पहली प्रेगनेंसी में आपका कितना वेट गेन हुआ था एंड सेकंड में कितना हुआ था। दोनों ही प्रेगनेंसी में मेरा 7 to 8 kg वेट जो है गया था और फर्स्ट में भी 7 to 8 kg वेट मतलब बढ़ा था एंड सेकंड प्रेगनेंसी में भी 7 to 8 kg के आसपास वेट जो है मेरा बढ़ा था, ठीक है। अब FHR की बात करते हैं, FHR मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में भी 150 से बिलो रही है एंड सेकंड प्रेगनेंसी में भी 150 से बिलो रही है, यानी कि 144, 143 and 138 ऐसी ही रही है दोनों ही प्रेगनेंसी में। अगर आपको भी FHR में, ये मैं एक चीज़ ये कहना चाहूँगी कि अब जब हम अर्ली प्रेगनेंसी स्कैन कराने जाते हैं तो उसमें हमारा मोस्टली 95% ये रहता है कि बच्चे के दिल की धड़कन जो होती है वो हाई रहती है, ठीक है, वो 180 भी जा सकती है, 160 भी जा सकती है, क्योंकि वो अर्ली प्रेगनेंसी है। आप नोट करना, बाद के जितने भी आपके USG होते हैं उसमें क्या FHR है वो नोट करना, 3 मंथ्स की जो अल्ट्रासाउंड होता है उसमें FHR जो है हाई ही रहते हैं मोस्टली, ठीक है। तो ये 2-4 क्वेश्चन थे और बाकी मुझे अभी तो याद नहीं आ रहे और क्या थे, मैंने कल ही देखे थे बट मैं भूल गई। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो मुझे कमेंट्स में थे, बाकी और सिम्टम्स मुझे क्या चेंज हुए थे, एक तो मैंने आपको बता दिया प्लेसेंटा वाला, एक तो ये चेंज हो गया था एंड सेकंड क्या चेंज हुआ था कि कहते हैं कि पेट छोटा रहता है, तो ऐसा कुछ नहीं है, पेट मेरा फर्स्ट में छोटा था क्योंकि फर्स्ट प्रेगनेंसी में पेट होता ही है कि कम निकलता है, ठीक है। लड़की के केस में हो सकता है कि ज़्यादा निकलता है, बट लड़के के केस में अगर आपकी फर्स्ट प्रेगनेंसी है और आपको बेटा है तो आपका पहली प्रेगनेंसी में पेट जो है छोटा होगा एंड सेकंड प्रेगनेंसी में मेरा पेट इसलिए ज़्यादा निकला था क्योंकि सेकंड प्रेगनेंसी में पेट सबका ही ज़्यादा निकलता है, क्योंकि जब हमारी पैलेटल डिलीवरी हो चुकी होती है तो हमारे पेट के अंदर ना काफ़ी ज़्यादा स्पेस जो है बन जाता है, तो सेकंड प्रेगनेंसी में ज़्यादा स्पेस होने की वजह से हमारा जो है पेट ज़्यादा बढ़ता है और हमें बढ़ता हुआ बहुत बड़ा बड़ा दिखाई देता है पेट हमारा फर्स्ट के कंपेयर में, ठीक है। बट अगर शेप आपकी ओवल है ना और नीचे को होना चाहिए पेट, तो वो लड़के का होता है कि पेट जो है वो नीचे को ढलान की तरफ है, ऊपर का जो पेट होता है वो गर्ल का होता है, कि जब पेट में लड़की होती है तो पेट ना ऊपर के साइड को बढ़ता है और लड़के के टाइप के पेट जो है वो नीचे की तरफ को बढ़ता है, ठीक है। तो ये भी सिम्टम्स सेम था और कुछ सिम्टम्स तो मेरे ऐसे कुछ चेंज नहीं हुए थे, चेंज हुआ था बस प्लेसेंटा की पोजीशन ही चेंज हुई थी मेरी, बाकी सारे सिम्टम्स जो थे वो सब सेम थे। हेयर ग्रोथ, दोनों ही प्रेगनेंसी में मेरे हेयर की ग्रोथ हुई थी, चाहे थोड़ी सी हुई लेकिन ग्रोथ हुई थी, और लड़की के केस में कहते हैं कि बाल झड़ते हैं या ऐसा होता है, बट ऐसा मुझे नहीं हुआ था। मेरी प्रेगनेंसी में क्या था कि दोनों ही प्रेगनेंसी में मेरे बालों की थोड़ी थोड़ी ग्रोथ हुई थी, उसके बाद प्रेगनेंसी जब डिलीवरी हो गई थी उसके बाद जो है मेरे बाल झड़े, ठीक है। तो हेयर ग्रोथ हुई थी, फेस में कोई ग्लो नहीं था दूसरी प्रेगनेंसी में और फेस डल भी नहीं पड़ा था, प्रेगनेंसी से पहले जो फेस था वैसे ही प्रेगनेंसी में भी था, दोनों ही प्रेगनेंसी में मेरे फेस में ना तो कोई ग्लो आया ना ही मेरा फेस डल पड़ा, जैसा था वैसे ही था दोनों ही प्रेगनेंसी में, ठीक है।
उसके बाद सूजन आना, दोनों ही प्रेगनेंसी में मुझे पैरों में या बॉडी में किसी भी प्रकार की कोई सूजन नहीं आई। नेक्स्ट है, दोनों ही प्रेगनेंसी में क्रेविंग जो थी वो चटपटा खाने की ही क्रेविंग होती थी, और इस मीठे की बहुत ही कम हुई है, मोस्टली चटपटा खाने की ही क्रेविंग हुई है दोनों ही प्रेगनेंसी में। तो ये सिम्टम्स भी जो है दोनों प्रेगनेंसी में सेम रहा है। उसके बाद तो ये सारे सिम्टम्स जो थे मेरे को प्रेगनेंसी में दोनों ही प्रेगनेंसी में सेम रहे हैं, बस बच्चे का जो प्लेसेंटा पोजीशन होती है वही चेंज हुई है, बाकी सारे सिम्टम्स जो थे वो सेम थे। और अगर आपको और कुछ भी पूछना है अल्ट्रासाउंड से रिलेटेड या सिम्टम्स से रिलेटेड मुझे आप कमेंट कर सकते हैं, मैं अपने कमेंट पर रिप्लाई जरूर करूँगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमेशा बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, बाय बाय।